you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No. Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ रूबी. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. और ये है मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग. इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी, हम लोग का है स्वस्ति रिसोर्ट चिलिका में. तो ये आज है मेरा एनिवर्सरी. तो हम लोग आज घूमने जाने वाले बने हैं कालीजाई टेम्पल. एक्चुअली जब हम लोग रिसोर्ट बुक किए थे तो वही टेम्पल बंद था बोल रहे थे, बट टेम्पल अभी ओपन है बोल रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे बंद था बोल रहे थे. आज मंडे है तो मंडे में ओपन है बोल रहे हैं. तो हम लोग यहाँ आए हैं चिलिका में. तो आप लोग अगर उड़ीसा के बाहर रहते हैं, चिलिका के बारे में नहीं जानते, तो चिलिका है एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है. तो एशिया के है लार्जेस्ट. तो हम लोग वहीं पे थोड़ा घूम के, वो मंदिर एक्चुअली है लेक के बीचों बीच, तो हम लोग वो मंदिर जा रहे हैं. तो अभी रिसोर्ट के बाहर ही बोट है, क्योंकि रिसोर्ट चिलिका को लग के है. तो हम लोग जा रहे हैं बोट के पास. तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए. सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बहुत धूप हो रहा है, तो टेम्परेचर 45 होगा, बहुत टेम्परेचर है. और हम लोग अभी यहाँ पे रिसेप्शन के तरफ जा रहे हैं. रिसेप्शन वहीं पे एक टिकट देंगे, टिकट लेके हम लोग जाएंगे. अगर आप लोग उड़ीसा से बाहर रहते हैं, उड़ीसा के बारे में नहीं जानते, चिलिका के बारे में नहीं जानते, तो प्लीज़ चिलिका कोविड आफ्टर कोविड आप लोग घूमने आएगा. बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा सी फूड मिलता है. आप लोग सी फूड टेस्ट करना. ओके फ्रेंड्स, अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उससे थोड़ा मतलब उनके जो गेट है थोड़ा डिस्टेंस पे है. तो हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी से. आप लोग देख पा रहे होंगे कितना धूप है. और ये है थोड़ा रिसेप्शन. रिसेप्शन से हम लोग मतलब जो बोटिंग के लिए टिकट लेंगे. आप लोग चाहे तो यहाँ पे जेट स्की है, कायाकिंग है, सब कुछ कर सकते हैं. बट अभी इतना धूप हो रहा है, हम लोग जेट स्की नहीं करेंगे, ओनली बोटिंग करेंगे. तो उसका टिकट लेके हम लोग जा रहे हैं. और यहाँ पे इन लोग का बोट है, रिसोर्ट का खुद का बोट है. तो हम दोनों ही हैं अभी रिसोर्ट पे. बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अभी कोविड के लिए कोई नहीं आ रहा है. हम लोग एनिवर्सरी है बोल के आए हैं. तो देख पा रहे होंगे आप लोग, हम लोग बोट के तरफ जा रहे हैं. और ये है चिलिका लेक, देखिए. ये सॉल्ट वाटर लेक है. बहुत बहुत धूप है यार, बहुत धूप. चल चल के तो मेरी हालत खराब हो गई इतना धूप में. आप लोग देख पा रहे होंगे कोई भी नहीं है. हम दोनों बोट में बैठ के जाएंगे और वो मंदिर में आप लोग को दिखाऊंगी कितना खूबसूरत मंदिर है. और कितना मतलब लेक के पूरा भीतर है, और ये बहुत बड़ा लेक है. आप लोग सर्च करके देख लेना गूगल पे, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. और अभी यहाँ पे छोटा छोटा जो है वो बोट नहीं जा रहा है, बंद है. रिसोर्ट का स्पीड बोट है वो, इसीलिए वो लोग ले रहे हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जाके जैकेट पहनेंगे, फिर उसके बाद ही बोट पे बैठेंगे. फोन कर लो
बॉम्ब थिला को की कौन 13 तारीख जाए बंद अच्छे कहू थी भल और ये देखिए ज्यादा 20-30 लोगों के लिए है अभी कोई नहीं है बोल के ये बंद है और हम लोग दो हैं बोल के वो छोटा वाला स्पीड बोट में जाएंगे तो ये पहन के हम लोग अंदर बैठेंगे कि गाइस मैं पहन लेती हूँ फिर शूटिंग करूंगी गाइस हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ से गाइस मिनिमम 10 मिनट लगेगा मंदिर जाने के लिए और 100 से 10 मिनट अगर आप लोग छोटे वाले बोट में आएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि स्पीड बोट है बोल के जल्दी पहुँच जाता है तो यहाँ पे देखिए मछली पकड़ने के लिए वो लोग होते हैं और यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और गाइस देखिए हम लोग कितना स्पीड से जा रहे हैं और यहाँ पे और एक जगह है पालूगांव बोल के अगर आप लोग उस तरफ से जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे हिल्स है आप लोग देख पाएंगे यहाँ से हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत दूर दूर है और ये रिसोर्ट एक यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट आइलैंड भी बन रहा है बट वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो अभी मतलब बना रहे हैं इसके बीच में लेक के बीच में बाकी वो अभी कंस्ट्रक्शन काम उसका हो रहा है आधा हुआ है फ्रेंड्स ये देखिए मंदिर आ गया है और इस मंदिर का नाम है कालीसाई टेम्पल तो यहाँ पे एक स्टोरी है बहुत पुराने जमाने से मंदिर किस लिए बना था तो एक लड़की थी जिसका नाम है जाई उसके मतलब वो शादी करके अपने ससुराल जा रही थी तो उसके ससुराल देखिए उसके ससुराल जो है वो लेक की दूसरे तरफ था तो वो उसका नाम था पारिकुद लेक उस तरफ था तो वो अपने पापा के साथ जा रही थी तो यहाँ पे जो उड़ीसा में बहुत साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है तो वो छोटे से नाव में जा रही थी तो उस दिन क्या हुआ साइक्लोनिक स्टॉर्म आया और वो लड़की वहीं पे मर गई तो गांव वाले बोले कि वो अकेली लड़की थी उसके पापा का और वो शादी करके ससुराल भी नहीं जा पाई नया लाइफ भी मतलब नहीं कर पाई नया लाइफ में भी नहीं जा पाई इसीलिए वो लोग क्या किए वो लड़की को ऑनर देने के लिए वहीं पे जहाँ पे मरी थी वहीं पे एक टेम्पल बना है उसका नाम मतलब उसका नाम जाई था और वो काली माँ को बहुत मानते थे तो उसका नाम कालीजाई रख के वहीं पे ये टेम्पल बना उसके नाम से तो तभी से पूजा करें कालीजाई टेम्पल बन के तो गाइस अभी हम लोग का पूजा हो गया है और मंदिर के मतलब पूजा मतलब मंदिर के जो है मतलब भीतर मोबाइल मना है इसीलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई मूर्ति जो है और यहाँ पे बहुत धूप है तो हम लोग का पैर पूरा जल जा रहा है पूरा नहीं चल पा रहे हैं तो गाइस ये देखिए बहुत सुंदर मतलब मंदिर है पहले भी मैं आई थी बट उस टाइम इतना नहीं बना था अभी थोड़ा ज्यादा अच्छे से बन गया है और यहाँ पे जो लोग छोटे से मतलब छोटे छोटे नाव से आते हैं वो लोग पहले मतलब कालीजाई को पहले प्रणाम करके ही वो लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत मतलब बोलते हैं मानते हैं लोग कि क्या अगर बोट कुछ हो जाएगा इसीलिए वो लोग पहले प्रणाम करके आते हैं
और अभी हम लोग का पूजा हो गया है गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं और यहाँ पे दो तीन और एक फैमिली आए हैं, पता नहीं वो लोग कैसे आए हैं, बट अभी तो सब कुछ बंद है क्योंकि वो लोग पास के गांव से ही आए हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, देखिए और ये देखिए मंदिर। अगर आप लोग उड़ीसा आएंगे तो प्लीज़ ये मंदिर जरूर आना, और ये होटल पे ये जो रिसोर्ट है, रिसोर्ट पे बहुत अच्छा सर्विस है, आप लोग रिसोर्ट पे रुक सकते हैं, बहुत अच्छा उन लोग का फैसिलिटी है। और एक्चुअली लेक को लग के है तो यहाँ पे लेक के बहुत में बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मछली पकड़ने का मंदिर बंद थे, कौन भूले था खाली भूले और हम लोग अगर दूसरे तरफ आते तो हम लोग बहुत सारी हिल्स देख पाते, यहाँ पे है और देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग रिसोर्ट जा रहे हैं गाइस, हम लोग थोड़ा मतलब रिसोर्ट जाएंगे। ब्रेकफास्ट आइलैंड, तो इसमें कुछ वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ बन के मतलब जब बनेगा तब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है, मुझे भी ठीक से नहीं पता, इसको ब्रेकफास्ट आइलैंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का रिजोर्ट आ गया है और अभी इतना धूप हो रहा है, हम लोग एक्चुअली जेट स्की करने वाले थे वो नहीं किए, और अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, जब हम लोग का कार आ जाएगा तब हम लोग जाएंगे अंदर। और यहाँ पे बहुत बहुत धूप है, अगर आप लोग आएंगे उड़ीसा तो प्लीज़ कम हेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है और इन लोग का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, एक्टिविटी भी इन लोग का बहुत कुछ है मतलब। और देखिए हम लोग ये अच्छा है, होटल में आओगे तो बेड पूरा क्लीन रहेगा आप लोग का। तो अभी एक्चुअली हो गया है शाम हो गया है और अभी हो गया है शाम के साथ चिल करने आए हम लोग, थोड़ा यहाँ पे आए हैं चिल करने के लिए। ये है रिसोर्ट का बार, आप लोग देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है वो। और अभी यहाँ पे ओनली 6 फैमिली है, कल संडे था तो 10-12 फैमिली थे, अभी 6 फैमिली है। और यहाँ पे तो सैटरडे संडे अभी मतलब लॉकडाउन नहीं था तो हो जाएगा, तो अब बंद हो जाएगा फिर बंद हो बोले। सो फ्रेंड्स ये मेरे हस्बैंड है, थोड़ा खेल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स देखिए आप लोग, मैं दिखा रही हूँ आप लोग का, ये बहुत सुंदर बार है और इन लोग का सर्विस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिसोर्ट है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग का केक कटिंग होगा, क्योंकि केक हम लोग दोपहर को मतलब नहीं काट पाए थे, तो अभी केक कट करके हम लोग डिनर करके ही जाएंगे। और हम लोग एक्चुअली कैंडल लाइट डिनर होने वाला था, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है तो वो बंद हो गया, इन बहुत सारे डेकोरेशन हम लोग किए थे तो वो बंद कर दिए। और हम लोग जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहीं पे ही केक कट कर रहे हैं। सो
सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ अगर उड़ीसा आएंगे तो ये चिलिका जरूर आना और ये रिसोर्ट पे रुकना, क्योंकि रिसोर्ट बहुत अच्छा है। और ये कालसे टेम्पल ज़रूर जाना। और गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, हम लोग आज जाएंगे घर, तो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल कितना अच्छा है, यहाँ पे डेकोरेशन सब कुछ बहुत अच्छे से उनका डेकोरेट किया गया है। और हम लोग अभी जा रहे हैं। और देखिए गाइस ये पुराने ज़माने का कुछ कुछ है यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे इतने सारे ट्री है, बहुत मेंटेन करके ये लोग रखे हैं। और बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है। और हम लोग का चेकआउट हो गया, हम लोग अभी जा रहे हैं गाइस। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।